गोगा नवमी पर शनिवार को बेटमा के गोगादेव मंदिर से छड़ी निशान निकालकर वीर गोगादेव महाराज का पूजन किया गया। इस अवसर पर देर रात तक झिलमिलाते निशानों का कारवा चलता रहा। रात 8 बजे से गोगादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगना प्रारंभ हो गई थी। गोगा नवमी पर्व पर झिलमिलाते निशानों का कारवां निकला, जो मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ बालाजी मंदिर गोगा मेड़ी पहुंचा, जिसमें ढोलक की थाप पर पारंपरिक प्रस्तुतियां देते हुए निशान चल रहे थे। चल समारोह के पूर्व गोगादेव मंदिर में भगवान गोगादेव जी का पूजन, आरती कर भोग लगाया गया। गोगादेव मंदिर से प्रारंभ हुए इस चल समारोह में सामाजिक समरसता का संदेश देने वाली टोली भी दिखाई दी। चल समारोह के पूर्व वाल्मीकि समाज सहित सिख, जैन, ब्राह्मण, वैश्य, जाट, यादव, स्वर्णकार समाज सहित अन्य समाजों के लोगों ने भी छड़ी का पूजन कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। वहीं नगर में निकले इस चल समारोह के दौरान भाजपा, कांग्रेस, सामाजिक समरसता मंच, बैठमा युवा शक्ति, युवक मंडल, श्री कृष्ण ग्रुप सहित विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान नगर के गणमान्य नागरिकों सहित समाजजन उपस्थित रहे। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी वीर गोगादेव मंदिर से हमारा गोगादेव भगवान का ये निशान हर साल निकलता है। पिछले 10 वर्ष के समथिंग हमें हो चुके हैं और बाबा साहब की कृपा हम पर बनी रहे। और वीर गोगादेव जन्म उत्सव हम पूरी वाल्मीकि समाज बेटमा
खत्री परिवार की ओर से पूरे देशवासियों को, नगरवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी लोगों का स्नेह और प्यार ऐसा ही हम लोगों पर बना रहे, और यह यात्रा हमारी जो है वीर गोगादेव मंदिर से प्रारंभ होकर बालाजी मंदिर परिसर में जाएगी, और ऐसे ही सब लोगों का प्रेम स्नेह बना रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।